हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एंटरटेन पार्टी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड के सिलेबस के ऊपर। उससे पहले दोस्तों, यार सॉरी वीडियो थोड़ी लेट हो गई दोस्तों, क्योंकि मेरी जो तबीयत थी यार थोड़े दिन से थोड़ी डाउन चल रही थी, लेकिन अब यार मैं आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, थैंक्स यार मेरे लिए। तो दोस्तों चलिए अब आपको बताते हैं यार, आपके डाउट्स आ रहे थे बहुत दिनों से हरियाणा बोर्ड सिलेबस रिलेटेड। दोस्तों मुझे पता है यार, आप वो टेंशन में है, स्ट्रेस में है आपके, यार इतने डाउट्स आए मेरे पास बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैंने सोचा यार क्यों ना आपके डाउट्स हैं वो उसमें से कुछ सिलेक्ट करके आपके यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने कुछ आपके डाउट्स हैं वो ले लिए हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले डाउट लिया है कि क्या CBSE वाला ही सिलेबस HBSE रिड्यूस करेगी, और क्या CBSE वाले सिलेबस से आप अभी तैयारी कर सकते हैं। तो यार सभी बातों का जवाब मैं यहाँ देने वाला हूँ। वीडियो करते हैं बिना किसी देरी के स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जो कि मैं अपनी हर सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस में आपको दिखाता रहा हूँ। और यार यही एक बिल्कुल प्रूफ है कि आपका सिलेबस है वो बिल्कुल कम होगा। यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल न्यूज़ में कहा गया था कि आपका सिलेबस है वो बिल्कुल 9वीं से 12वीं तक कम होगा। यहाँ पर मैंने आपको ऑफिशियली नोटिस भी दिखाया था, लेकिन फ्रेंड्स इतने दिन हो गए इस बात को, एक महीना हो गया लगभग, लेकिन अभी तक सिलेबस से रिलेटेड कोई अपडेट हरियाणा बोर्ड की तरफ से नहीं आई है, आपका सिलेबस कम होकर नहीं आया है। तो यार मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, मैं आपका दर्द यार समझ सकता हूँ। तो दोस्तों आज आपके ही डाउट्स यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम आपके डाउट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है कि क्या हरियाणा बोर्ड CBSE बोर्ड वाला ही 30% सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम रिड्यूस करेगा या अपना सिलेबस रिड्यूस करके निकालेगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों मुझे एक न्यूज़ का पता चला जो कि अब आपको स्क्रीन पर दिख रही है। दोस्तों ये एक न्यूज़ की हेडिंग है, CBSE के बाद UP बोर्ड और हरियाणा बोर्ड भी करेगा सिलेबस में कटौती। तो मैंने सोचा यार अगर CBSE से इंस्पायर होकर UP और हरियाणा बोर्ड दोनों सिलेबस कम कर रहे हैं, और अगर UP बोर्ड ने सिलेबस डिक्लेयर कर दिया है, तो क्यों ना हम CBSE और UP बोर्ड के सिलेबस को यहाँ पर कंपेयर करके देख लें कि क्या उसने सेम टू सेम सिलेबस रिड्यूस किया है या फिर कुछ उसमें चेंज किया है। तो चलिए फ्रेंड्स कंपेयर करते हैं और बिल्कुल लाइव प्रूफ देखते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, एक तरफ है CBSE क्लास 12th मैथमेटिक्स का सिलेबस और दूसरी तरफ है UP बोर्ड का क्लास 12th मैथमेटिक्स का सिलेबस। दोस्तों आप किसी का भी उठाकर यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर मैथ का उठा लिया है क्लास 12th का। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर। तो दोस्तों CBSE ने जो यहाँ पर रिड्यूस किया है वो ही UP बोर्ड ने रिड्यूस किया है। उसके बाद दोस्तों सेकंड चैप्टर में भी बिल्कुल सेम रिड्यूस किया है दोनों ही बोर्ड ने, लेकिन दोस्तों यहाँ पर यूनिट सेकंड यानी कि चैप्टर 3rd, 4th, 5th उसमें दोस्तों CBSE ने कुछ टॉपिक्स डिलीट किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ UP बोर्ड ने यहाँ पर उन चैप्टर्स को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया है, उनमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया है। तो यार यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि UP बोर्ड ने CBSE बोर्ड के सिलेबस को बिल्कुल सेम टू सेम रिड्यूस नहीं किया, कुछ अपनी तरफ से भी ऐड किया है, कुछ चेंज किया है। उसके बाद दोस्तों मैंने पूरा नीचे तक इसको कंपेयर किया, चलिए आपको दिखाते हैं। उसके बाद दोस्तों यूनिट 3rd आती है कैलकुलस, जो क्लास 12th में वो इसे आसानी से समझ पा रहे होंगे, और मेरे भाई बहन 10th, 9th और 11th वाले भी यार समझने की कोशिश कीजिए। सबका तो मैं सिलेबस यहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकता। तो यार मैंने सभी का वैसे सिलेबस खुद देखा, चेक किया, तो यार सभी का सिलेबस है वो थोड़ा थोड़ा चेंज है। यानी कि यार हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल सेम सिलेबस यहाँ पर चेंज नहीं किया गया यूपी बोर्ड की तरफ से CBSE वाला। तो यार हरियाणा बोर्ड भी मुझे लगता है कि बिल्कुल सेम सिलेबस रिड्यूस नहीं करने वाला। यानी कि अगर 30% रिड्यूस सिलेबस करना है, तो उसमें से वो 20% या 25% CBSE वाला उठाएगा और 5 या 10% हरियाणा बोर्ड खुद अपनी तरफ से यहाँ पर रिड्यूस करने वाला है। लेकिन दोस्तों ये मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं कह सकता, क्या पता बिल्कुल 30% सेम टू सेम भी रिड्यूस हो जाए, क्योंकि यार रियलिटी की बात करता हूँ, फैक्ट बेस्ड बात मैं आपके लिए करता हूँ, ना कि यार मैं आपको ऐसे ही कह के चला जाऊँ कि भाई नहीं बिल्कुल सेम नहीं होगा। तो यार ऐसा नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पर चांसेस यही हैं कि यूपी बोर्ड की तरह ही हरियाणा बोर्ड भी थोड़ा थोड़ा चेंज उसमें करे। क्योंकि दोस्तों अगर यूपी बोर्ड की तरह हरियाणा बोर्ड भी सिलेबस है वो डिक्लेयर कर देता जल्दी से जल्दी, तो हम मान सकते थे कि वो
सीबीएसई वाला ही सिलेबस डिक्लेयर करता, क्योंकि दोस्तों अगर उसे सीबीएसई वाला ही सिलेबस डिक्लेयर करना होता तो वो इतना टाइम क्यों लगाता। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं हरियाणा बोर्ड को कितना टाइम हो गया है, उसने अभी तक सिलेबस है उसके बारे में डिक्लेरेशन की कोई यहाँ पर रिपोर्ट नहीं दी है। तो मुझे नहीं लगता कि वो सेम सिलेबस रिड्यूस करने वाला है, लेकिन यार हो भी सकता है, मैं यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म नहीं हूँ। इसके बाद दोस्तों सेकंड है कि क्या आप लोग सीबीएसई वाले सिलेबस से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों ये डाउट या ये कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो यार मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल यार तैयारी कर सकते हो सीबीएसई वाले सिलेबस से। लेकिन यार आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, आपको ब्लाइंड प्रिपरेशन नहीं करनी है। ब्लाइंड प्रिपरेशन का मतलब ये है कि आपको मतलब एक अंधभक्ति की तरह प्रिपरेशन नहीं करनी है कि आप ये मान लें कि हाँ भाई सीबीएसई वाला सिलेबस ही हरियाणा बोर्ड का सिलेबस कम होगा और हम इसी की तैयारी यहाँ पर स्टार्ट कर दें, इसी को बस फाइनल डिसीजन मान के आप तैयारी स्टार्ट नहीं करनी है। दोस्तों आपको यहाँ पर आपको पता है कि अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है हरियाणा बोर्ड ने, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यार कुछ स्टूडेंट्स थे वो यार कह रहे थे कि भाई हम इसी सिलेबस से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो यार मैं आपको इसीलिए पहले ही ये अवेयर कर रहा हूँ कि भाई तैयारी आप कर सकते हो, क्योंकि यार मुझे पता है आपका टाइम है वो निकलता जा रहा है। लेकिन आपको ध्यान में ये भी रखना है कि आपका भी सिलेबस यहाँ पर रिड्यूस होकर आने वाला है, तो यार आपको उसके लिए भी अवेयर रहना है। और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी सिलेबस आएगा यार आपको मैं अपडेट सबसे पहले देने वाला हूँ। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं यही कहूँगा कि यार आप सीबीएसई वाले सिलेबस से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में रहकर तैयारी कीजिए। यानी कि आप वो टॉपिक्स उठाइए जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, आप खुद दूसरे बोर्ड्स देखिए कि उन्होंने कौन कौन से टॉपिक्स सेम टू सेम सीबीएसई वाले डिलीट किए हैं, और आप कहेंगे तो दोस्तों मैं वीडियो भी बना दूंगा। अब दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि भाई सीबीएसई वाले सिलेबस की वीडियो बनाओ, तो यार उसकी वीडियो बनाने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सीबीएसई वाला सिलेबस डाउनलोड ही करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, ब्लू कलर का एक लिंक है दोस्तों, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ब्लैक कलर में रिवाइज सेकेंडरी करिकुलम क्लास 9th और 10th, और रिवाइज सीनियर सेकेंडरी करिकुलम क्लास 11th और 12th। तो फ्रेंड्स आप जिस भी क्लास से हैं उसके ऊपर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं मान लेता हूँ क्लास 10th के ऊपर मैंने क्लिक किया। आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, जो ब्लू कलर में यहाँ पर लाइंस लिखी हुई हैं कैरिकुलम डिडक्शन डिटेल्स, उसके आप ऊपर आपको क्लिक करना है। और उसके ऊपर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने यहाँ सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस आ जाएगा। आपको जिस भी सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ से डाउनलोड करना है उसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। चलिए हम साइंस का डाउनलोड कर लेते हैं क्लास 10th का। तो दोस्तों ये आपके सामने डाउनलोड होकर आ गया है, आपके फ़ोन में भी बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है सीबीएसई का सिलेबस जो कि कुछ यूट्यूब वीडियोस में हरियाणा बोर्ड का बताकर आपको बताया जा रहा है, तो यार उनसे बच के रहिए, ये सीबीएसई का सिलेबस है। इससे आपको ही फ्रेंड्स लॉस हो सकता है, यार आप इससे तैयारी शुरू कर सकते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल गलत है, लेकिन यार एक हद भी होती है, मतलब एक कुछ चीज़ की लॉयल्टी भी होती है। तो यार आप समझ सकते हैं कि ये सिलेबस सीबीएसई का है ना कि एचबीएससी का, बट आप तैयारी इससे कर सकते हैं जब तक कि हमारा सिलेबस नहीं आता हरियाणा बोर्ड से। तो दोस्तों मैं फिर से वही बात कहूँगा कि आपको ब्लाइंड प्रिपरेशन नहीं करनी है, अवेयर रहना है, कभी भी हरियाणा बोर्ड का सिलेबस है वो आ सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चलिए अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा बोर्ड का सिलेबस कब आएगा और अब तक क्यों नहीं आया। तो यार इसके लिए हमने बहुत सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, बोर्ड से भी यार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन यार हरियाणा बोर्ड, मतलब यार मैं इस बोर्ड के बारे में क्या कहूँ, आप भी यार इससे बिल्कुल परिचित हैं, ये यार हर काम लेट करता है। मुझे लगता है हरियाणा बोर्ड है वो थोड़ा लेट लतीफ़ बोर्ड है, यार मैं ये बोलना नहीं चाहता, मैं फिर भी क्या कर सकते हैं यार, गुस्सा आ रहा है क्योंकि यार आपका मुझसे दुख देखा नहीं जा रहा यार, आप बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं। तो यार मैं आपको बता दूं कि सिलेबस में थोड़ी और देरी हो सकती है, और दोस्तों मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं भिवानी में कोरोना की वजह से बोर्ड कर्मचारियों की छुट्टी, यानी कि फ्रेंड्स हरियाणा बोर्ड का जो यहाँ पर ऑफिस था उसके अंदर एक कोरोना पॉजिटिव मिल गया है, ये दोस्तों शुक्रवार को मिला है, पिछले शुक्रवार को, तो उसकी वजह से दोस्तों बोर्ड को अभी बंद कर दिया गया है, जिससे यार उसके जो काम थे बोर्ड के वो रुक गए हैं, यानी कि आपका सिलेबस अब वो थोड़ा और लेट हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है,
क्योंकि यार टेंशन से कुछ नहीं होने वाला, आप खुश रहिए फ्रेंड्स, आपका सिलेबस बहुत जल्दी आपके सामने होगा, इसी महीने में यार बिल्कुल आने के चांस हैं। आप बिल्कुल कहेंगे कि भाई तू अभी 15 अगस्त तक कह रहा था, यार हम तो आपको जो इन्फॉर्मेशन होती है यार वो ही बता सकते हैं, लेकिन हम सिलेबस कम नहीं कर सकते, हम आपको सिर्फ न्यूज़ के बारे में बता सकते हैं। तो यार जैसे ही सिलेबस आएगा आपको बता दिया जाएगा, आप अपनी प्रिपरेशन है वो करते रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि यार आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज प्रिपरेशन करना है, ना कि इन फालतू बातों में ध्यान देना। मुझे पता है फ्रेंड्स सिलेबस भी इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी दोस्तों आप प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि यार सिलेबस जब कम होगा तो सभी को पता चलेगा, ऐसे तो है नहीं कि बस चुपचाप सिलेबस को कम कर दिया जाएगा। तो यार ये थी आज की वीडियो, मुझे लगता है मैंने आपके डाउट्स को यार बिल्कुल कम नहीं किया, तो थोड़ा आपको रिलैक्स यहाँ पर किया है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।